सो फाइनली आज अपन चिल्ला के बोल सकता है भाई सच में मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब भाई जो एक्शन सीन चल रहे थे ना उनको देख करके बस ओ माय गॉड। एंड इसको देखने से पहले अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना कि तुम इसको क्यों देखना चाह रहे हो, तभी भाई शायद आप इस के ड्रामा की फीलिंग को पकड़ पाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाते हो तो मैं बताता हूँ ना क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज कहानी सुन के भागना मत, आज इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाए भाई इस के ड्रामा में कितना दम है और क्या तुम्हें ये मजा और सुकून दे पाएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। एनीवे भाई चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली चीज ये कि सीजन 2 इसका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त इसके सीजन 1 में ही इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया है। दूसरा, इसके ड्रामा को चाहो आप फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस सीरीज में आपको बहुत सारी गाली गलौज सुनने को मिलेगी एंड साथ ही साथ भाई आपको बहुत सारा ब्लड एंड वायलेंस भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 18 प्लस हो तो देख सकते हो, बट छोटे बच्चों के साथ मत देखना। नेक्स्ट, जो सीरीज की हिंदी डबिंग है वो काफी बढ़िया की गई है। एंड नेक्स्ट थिंग इज भाई इसके ड्रामा को आपको देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना। टोटल 8 एपिसोड जिनकी लेंथ आपको 1 घंटे के आसपास देखने को मिलती है, मतलब फटाफट बिंज वॉच करके निपटा सकते हो। लेकिन भाई निपटाने से पहले इस सीरीज का जो माल है आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें एक्शन थ्रिलर देखना पसंद है? अगर पसंद है तो भाई सच में इस के ड्रामा में आपको बाप लेवल के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जिनको देख करके ट्रस्ट मी आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सीरीज का ट्रेलर जब से आया था तब से जो ये सीरीज भाई अपना माल जो एक्शन के नाम पर बेच रही है। एंड कहीं ना कहीं भाई जो इस सीरीज का एक्शन है, जो एक्शन प्रेमी है, जो एक्शन दीवाने हैं, जो एक्शन को अपनी गर्लफ्रेंड मान के चलते हैं, उनको इस सीरीज का जो माल है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बाकी अगर कहानी और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो भी भाई काफी हद तक फ्रेश रखा गया है। कहानी भाई आपको पैंडेमिक के टाइम पर सेट करके दिखाई जाती है, जहां पर जो अपने दो बॉक्सर हैं एक दूसरे से मिलते हैं एंड भाई वो धीरे धीरे करके उन लोगों का पर्दाफाश करना शुरू करते हैं जो कि भाई गरीब लोगों को लोन दे करके पैंडेमिक के टाइम फंसाने की कोशिश करते थे। जिसमें भाई जो अपना एक हीरो है ये वाला, इसकी माँ फंस जाती है एंड फिर दोनों मिलकर के क्या क्या करते हैं, कैसे मिस्टर चॉइस से मिलते हैं, दोनों मिल करके दुनिया जमाना की जो तबाही लाते हैं, कैसे विलेन को टेक डाउन करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इसके ड्रामा को देखना पड़ेगा। अब अगर सीरीज के अच्छी चीजों की बात करूं तो पहली आएगी एक्टर्स की परफॉर्मेंस। जितने भी एक्टर देखने को मिलेंगे आपको उनकी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दूसरा, स्टार्टिंग के एपिसोड में सीरीज काफी लाइट हार्टेड वे के साथ प्रेजेंट की गई है जिसकी वजह से आपको कॉमेडी का ह्यूमर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज ये कि थोड़ा बहुत माँ बेटे का पोर्शन दिखा करके सीरीज आपको इमोशनल करने की भी कोशिश करती है। बाकी भाई ओवरऑल सीरीज घुमा करके आती है एक्शन पर, तो इसका जो एक्शन है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। हर एक एपिसोड में आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, 10-20 मिनट के बाद आपको एक्शन तो मिलेगा ही। एंड जब एक बार एक्शन स्टार्ट होता है इस सीरीज का भाई तो रुकने का नाम नहीं लेता, आपको ब्लड 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 देखने को मिलता है। बाकी भाई अगर वीक पॉइंट की मैं बात करूं, देखो इस सीरीज की जो कहानी वो बहुत ज्यादा वेल रिटन या फिर वेल एग्जीक्यूटेड नहीं है, इसमें आपको लूप होल देखने को मिलते हैं। जो करेक्टर है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं की गई है। सीरीज अपने इमोशनल और रोमांस के एंगल में भी काफी बुरी तरीके से फेल होती है। लेकिन मुझे जहां लगता है कि आपको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इस के ड्रामा को देखने जाओ, क्योंकि भाई जो एक मजा वाला फैक्टर है जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको 100% वो मिलेगा। और तुम्हें चाहिए क्या? मजा। तो इस सीरीज तुमको मजा देती है। एंड बस भाई मैं इन्हीं सारी चीजों को जज करते हुए आपको इतना ही बोलूंगा कि इन केस अगर आप एक एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामा देखना चाहते हो काफी टाइम से, अगर आपने नहीं देखा है तो बस ये बाप लेवल का एक्शन ड्रामा है, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बस अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्विच ऑफ मार लेना, कहानी और कैरेक्टर में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना। फ्री वाली एडवाइस, समझ गए होगे ना? समझ गए ना? बाकी अगर भाई मेरी बात करें तो भाई ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके जो एक्शन का पोर्शन था वो बहुत ज्यादा एंजॉयबल था। एंड बस मैं इन्हीं सारी चीजों करते हुए इस सीरीज को रेट करूंगा। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं सुनता कि आपको सीरीज कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, जो सब्सक्राइब करना, शेयर देंगे कि मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।